हमारे साथ जुड़े रहने के लिए IBN9 न्यूज को सब्सक्राइब करें। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। रमजान के बाद मनाया जाने वाला त्योहार ईद को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ईद के त्योहार को सादगी से मनाया जाए। जमाते उलेमा हिंद की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस समय पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, जिसमें देश के कई पुलिसकर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी शहीद हो चुके हैं, कई महिलाएं विधवा हो चुकी हैं तो कई बच्चे अनाथ हो चुके हैं। देश जब ऐसे कठिन से गुजर रहा है, ऐसे में ईद की खुशी कैसे मनाई जा सकती है। साथ ही जमीयत के नेताओं ने यह भी कहा कि नए कपड़ों की खरीदारी न करके वह पैसा गरीबों के राशन और जरूरत के सामान देने में खर्च किया जाए। मैं जमीयत उलमाए हिंद का एक अदना सा खादिम होने की हैसियत से पूरे मुल्क के मुसलमानों से और खसूसन सीहोर जिले के अहबाब से ये मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर COVID-19 जो एक ख़तरनाक वबा और महामारी बनकर उभरा है, जिससे लाखों बच्चे यतीम हो चुके हैं, कई माएँ बहनों के सरों से सहारा उठकर वो बेआसरा हो चुकी हैं, बेसहारा हो चुकी हैं और पूरा देश इंतहाई गम के अंदर डूबा हुआ है। ऐसे हालात के अंदर हमें खुशी मनाना किसी भी तरह मुनासिब नहीं लगता। हमारी खुशी तो यह है कि हम अल्लाह की इबादत करें और ईद को हम इंतहाई सादगी के साथ मनाएं। जहां तक ख़रीदारी का मामला है तो हम इस फजूल खर्ची से बचें। जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि देश इस समय काफ़ी कठिन दौर से गुजर रहा है, ऐसे में ईद सादगी से मनाई जाए और ये दुआ मांगी जाए कि देश जल्द से जल्द इस महामारी से मुक्त हो। आष्टा से IBN9 के लिए सादक की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ IBN9 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।